कौशिक व्यास इनका सवाल है कि जो एटम के यानी अणुभट्टी के डोम होते हैं उनका आकार शिवलिंग जैसा क्यों होता है। अब ये अणुभट्टी का जो आकार है वो शिवलिंग जैसा कैसा होता है, ये आपने सवाल पूछा। तो आपने ये भी सवाल पूछना चाहिए कि अपना जो गैस सिलेंडर होता है जो घर घर में हम उपयोग करते हैं उसका भी आकार शिवलिंग जैसा क्यों होता है। बेसिकली ये जो डोम स्ट्रक्चर ऊपर का होता है उसके पीछे एक सिंपल साइंस है, और ये सिंपल साइंस इतना ही है कि अगर कोई भी डोम आकार रखते हैं तो विदाउट पिलर केवल आखिरी के छोर पर कोई बहुत बड़ी चीज हम खड़ी कर सकते हैं, और इसलिए कई पुलों का आकार वैसे होता है, बड़े स्टेडियम का आकार डोम का होता है, बड़े मंदिरों का आकार डोम का होता है, इसलिए डोम आकार में आप विदाउट बीच के पिलर के एक बड़ा साइज खड़ा कर सकते हो दीवारों के आधार पर। अब कई बार अगर हमें ज्यादा ऊंचाई की जरूरत नहीं है तो ये डोम के आसपास इर्द गिर्द की जो दीवारें होती है चारों ओर की वो बहुत छोटी होती है, तब वो आकार लिंग जैसा नहीं लगेगा, डोम जैसा आकार लगेगा। जब हमें ये छत ऊपर ऊंचाई पर चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए, तो हम दीवारें ज्यादा ऊंची खड़े करेंगे और ऊपर में डोम क्रिएट करेंगे। तो हमारी आवश्यकता के अनुसार ये डोम का हम उपयोग करते हैं। इंजीनियरिंग की एक बहुत अच्छी, हम इसको संशोधन नया नहीं कहेंगे, पुराने जमाने से होते आया है, कम मेहनत में बड़ा स्ट्रक्चर उसके आधार पर हम खड़ा कर सकते हैं और वो मजबूती से खड़ा होता है, सेल्फ सस्टेन्ड होता है। उसके भी पीछे जो साइंस है वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और जो अणुभट्टी होती है, गैस होता है, सिंपल हमारा घर का गैस सिलेंडर, उसका लीकेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो जब भी कोई कॉर्नर होगा, चौकोन होगा, स्क्वायर होगा, कॉर्नर्स हो गए, तो वहां पर लीकेज होने की ज्यादा गुंजाइश होती है, प्रेशर उधर जाता प्रेस करता है। अगर वही अगर सर्कुलर आकार हो, गोल आकार हो, डोम जैसा आकार हो, तो उसे ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं मिलता है कि ज्यादा जहां प्रेशर दे सके और वहां से लीकेज हो सके। इसलिए जहां प्रेशर कंटेन करने की बात होती है वो सभी चीजों को इस ढंग का आकार दिया जाता है, उसको स्क्वायर आकार नहीं दिया जाता है, गोल आकार, डोम जैसा आकार दिया जाता है। ये उसके पीछे का कारण हम वो गैस सिलेंडर में देखते हैं, हम वो ऑयल की टंकियों में देखते हैं। वही बात जब हम ऑयल इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं ट्रक से, वो ट्रक में जो बड़ी टाकी होती है उसका भी आकार डोम जैसा होता है, गोल होता है, फिर हम कह सकते हैं उसको कि आड़ा लिंग है। अब ये तो हमारे सुविधा के अनुसार कम ज्यादा आकार होता है, उसका लिंग के साथ में कोई संबंध नहीं है, और इसलिए लिंग का आधार ज्यादा सस्टेनेबल होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। हमारे शंकर भगवान जी का जो पिंड में का लिंग होता है वो तो पुरुष फैलस का, पुरुष के लिंग का रिप्रेजेंटेशन है, ये हम सभी जानते हैं। पिंड का नीचे का हिस्सा होता है वो स्त्री के वजाइना का रिप्रेजेंटेशन है, ये हम सभी जानते हैं, और जिसको भी थोड़ी बहुत जानकारी धर्म की है वो सबको ये पता है, इसमें कोई नई बात नहीं। तो उसका यहां पर संबंध जोड़ने में क्या मतलब है? हालांकि लिंग का संबंध तो निर्मिति से है, लिंग और योनि के संयोग से नई निर्मिति होती है, नए बच्चे पैदा होते हैं, तो ये डिस्ट्रक्शन में उसका संबंध क्या है?
ये प्रेशर में उसका संबंध क्या है, ये ऐसा संबंध क्यों हम जोड़ना चाहते हैं कि अणुभट्टी में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ताकत होती है। वैसे शंकर भगवान जी के रिप्रेजेंटेशन वाले जो लिंग के आकार होते हैं उसमें होती है, ऐसा हमको कहना है क्या? ये तो खींच तान के हम मतलब निकाल रहे हैं। फिर गैस सिलेंडर का भी वैसा ही है, हमारे जो ट्रक्स होते हैं आड़े, उसका भी आड़ा आकार वैसा ही है जिसमें हम तेल डालते हैं। अब ये तेल रॉकेल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है और सादा तेल भी हो सकता है। तो इसलिए इसे खींच तान कर मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों में हालांकि कोई मतलब नहीं है उनको खींच तान कर आज के आधुनिक साइंस का मतलब जोड़ने का जो हमारा प्रयास रहता है उसको हम सूडो साइंस कहते हैं। और ये साइंस के आधार पर सूडो साइंस की चीजें मनगढ़ंत बनाकर कहने से क्या हमारा धर्म साइंटिफिक है ये सिद्ध हो जाएगा? क्यों ऐसा खींचतान कर हम मतलब निकालने की कोशिश करते हैं? ना इससे धर्म का फायदा है, ना ही हम साइंटिफिक विचारधारा वाले बच्चे रह सकते हैं। तो ये ऐसा खींचतान कर कुछ तो भी मतलब निकालने की कोशिश हमने बंद कर देनी चाहिए, इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।